बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जीत मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा और कलरफुल सा पॉकेट शवारमा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये आसान सी और मज़ेदार सी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस आसान सी और मज़ेदार सी इस रेसिपी को। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक बाउल है, इसमें मैं गाजर ऐड करूँगी। तकरीबन हाफ कप के करीब मेरे पास गाजर हैं, इनको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास क्यूकम्बर यानी कि खीरा है, हाफ मैंने खीरा लिया था, इसको भी मैंने लंबाई में बहुत बारीक चॉप कर लिया था, ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। देन यहाँ पर मेरे पास बंद गोभी है, तकरीबन मैंने हाफ कप ली है, तो इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, ये इसमें ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास लेमन है, तो मैं तकरीबन यहाँ पर 1 टेबल स्पून लेमन जूस इसमें ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा और मज़े का फ्लेवर आता है इसका। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये तकरीबन आलमोस्ट सैलड जो है रेडी हो चुका है। इसको आप एज अ सैलड भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। देन यहाँ पे मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर है 2 पिंच के करीब, ये इसमें ऐड करूँगी। 2 पिंच यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट है, तो ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी और जूसी सी ये वेजेस की जो स्टफिंग है ये रेडी हो चुकी है। दूसरी तरफ पैन में मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया और इसमें शवारमा ब्रेड जो है इसको दोनों साइडों से मैं कुक कर लूँगी। तकरीबन 1 मिनट में ये इजीली कुक हो जाएगी, बिकॉज़ ये पहले हाफ कुक होती है। तो इसको अच्छे से कुक करने के बाद इसको मैं नाइफ की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, ताकि इसकी 2 पॉकेट्स बन सकें ईजीली। अगर ये ओपन ना हो तो इसको नाइफ की मदद से इस तरह से ओपन किया जा सकता है, ताकि इसमें स्पेस बन सके स्टफिंग के लिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं स्टफिंग को। तो सबसे पहले इसमें मायोनीज ऐड करूँगी, साथ ही यहाँ पर मेरे पास टोमेटो केचप है, ये इसमें ऐड कर दूँगी। ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिए ज़रा ऐड कर सकते हैं। अब मैंने जो वेजेस की यहाँ पर स्टफिंग रेडी की है ये इसमें फिल कर दूँगी। तो व्यूवर्स, आप यहाँ पे कोई से भी वेजेस यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप इसमें कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं या कोई से भी। देन यहाँ पे मेरे पास है जी टिक्का बोटी, तो ये इसमें ऐड करूँगी। ये इसकी रेसिपी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बहुत ही इजी वे से मैंने इसको रेडी किया था। टिक्का बोटी ऐड करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी वेजेस और ऐड करूँगी, साथ ही यहाँ पे मेरे पास टोमेटो केचप है, तो इसके ऊपर ये भी डाल दूँगी, और मायोनीज़ है ये भी ऐड कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी और खूबसूरत सी और कलरफुल सी इसकी लुक आ रही है, और खाने में बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी सा ये पॉकेट शवारमा रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये आसान से मज़ेदार सी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली एक्साइटिंग सी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। लास्ट में मैं एक छोटा सा आइडिया देना चाहूँगी कि इस पॉकेट शवारमा की सेम स्टफिंग को आप लोग रेगुलर गंदम की रोटी में फिल करके बच्चों को या बड़ों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, तो ये इनको बहुत ही अच्छा लगेगा। या जो बच्चे खाना खाने में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं उनको आप इस तरह से दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा होगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, और हमेशा खुश रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।